शिखा, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की जो मेरी फैशन हॉल वीडियो है, ये है एक डिफरेंट ब्रांड से जिसका नाम है फैशर। और वैसे तो आपको इस ब्रांड के कपड़े यार अजियो पर और मिंत्रा पर भी मिल जाएंगे, लेकिन मैंने परचेज किया है डायरेक्ट ब्रांड की वेबसाइट से, क्योंकि यहाँ पर ना कलेक्शन की एक वाइड रेंज है और 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा अगर आप ये कूपन कोड यूज करेंगे तो। और गाइज, रिटर्न पॉलिसी है बहुत ही ज्यादा सिंपल, 15 डेज के अंदर आप प्रोडक्ट को इजी रिटर्न कर सकते हैं, कोई भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, कुछ नहीं पूछा जाएगा। बाकी सारी डिटेल मैं धीरे धीरे आपको बताती रहूंगी। ये है आज का मेरा पहला कुर्ता, मरून कलर में गोल्डन जरी और सीक्वेंस एम्ब्रॉयडरी के साथ। नेक है इसका राउंड और पूरे ही नेक पर पाइपिंग लगी हुई है मरून कलर से। और यहाँ आप देखेंगे जितनी भी एम्ब्रॉयडरी है ना, ये जरी से और सीक्वेंस से है, तो बहुत ही ज़्यादा फैबुलस लग रही है। और इसका आप लुक चेक करेंगे, पूरे में ही छोटी 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 बूटियाँ बनी हुई हैं। फैब्रिक है इसका चंदेरी सिल्क, इनर इसमें ऑलरेडी अटैच है, लुक इसका काफ़ी प्रिटी आ रहा है और साइज़ एकदम परफेक्ट है। अपना ट्रू साइज बाय करें तो बिल्कुल फिटी आने वाला है। 3/4 इसकी स्लीव्स हैं, स्लीव्स में किसी भी तरह का कोई इनर नहीं है, तो ट्रांजी सा बहुत ही प्यारा इसका लुक आ रहा है। ये था फ्रंट और ये है इसका बैक। पास से एक बार चेक कीजिए इसकी एम्ब्रॉयडरी, काफ़ी नीट एंड क्लीन, काफ़ी फाइन है। एंड गाइस, बहुत ही ज़्यादा फाइन इसकी क्वालिटी। अच्छा, अगर आपको लगे ना, बहुत से लोगों का ये कंप्लेन होती है कि चंदेरी सिल्क चुभता है, वैसे ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन आप इसके साथ स्पैगेटी वियर कर सकते हैं, बिल्कुल कंफर्टेबल है। इसमें जो इनर लगा हुआ है ना, वो देखिए, प्योर कॉटन का इनर लगा हुआ है, सो काफ़ी कंफर्टेबल ये पहनने में है और लुक तो इसका बहुत ज़्यादा प्यारा आया। इसके साथ आप कोई भी गोल्डन कलर की बॉटम वियर कर सकते हैं, वैसे मैंने ऑफ वाइट वियर की है, वो भी आप कोई भी फैब्रिक लेकर के इजीली स्टिच करवा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा ये ऑफ वाइट के साथ, जो क्रीम एकदम शाइनी क्रीम कलर था ना, उसके साथ मैंने पेयर अप किया, बहुत प्यारा लगा। प्राइस डिटेल में सभी के साथ में मेंशन कर रही हूँ, प्लस लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मैंने कूपन कोड भी वहाँ पर मेंशन कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, जिसे आप अप्लाई करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल जाएगा। सेकेंड पीस अगेन, एक और फैबुलस पीस। हो सकता है वीडियो में इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा हो, लेकिन एक ग्रीनिश ग्रीनिश और जो ब्लूइश होता है ना, उसका कॉम्बिनेशन है, बहुत ही फाइन। और सेल्फ में ही इसमें थोड़ी थोड़ी लाइनिंग लाइनिंग सी है, वैसे तो ये पूरा चेक में है, प्लस सेल्फ में भी लाइनिंग लाइनिंग है और ए लाइन में कुर्ता। इसमें किसी तरह का कोई इनर नहीं है, लेकिन फिर भी ये पहनने के बाद ट्रांजी नहीं लगा, मैंने कोई स्पेगेटी वियर की हुई नहीं है इसके साथ, और बहुत ही अच्छा लुक इसका आ रहा है। नेक आप इसका देखेंगे, बंद नेक के पैटर्न में है, यहाँ पर ये इतना पोर्शन ओपनेबल है, एक हुक लगा हुआ है, प्लस बॉटम तक इसमें गोल्डन कलर के बटन लगे हुए हैं। सो चाहे तो आप इसे गोल्डन कलर के किसी भी प्लाजो या सिगरेट पैंट के साथ पेयरअप कर सकते हैं, जींस के साथ भी पेयरअप कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्रंट स्लिट में है। मैंने इसको वियर किया सेम प्लाजो के साथ और उसके साथ भी ये बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब लगा। ये है फ्रंट, ये है इसका बैक, प्राइस मैंने मेंशन कर दिया है। एल्बो तक आएगी इसकी स्लीव्स, और स्लीव्स में ना हल्का सा यहाँ पर कफ काइंड ऑफ दिया गया है, सो उसकी वजह से भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। गाइज, मैं ये ब्रांड फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, और मैं जब इसको ट्राई कर रही थी ना, तो मेरे साथ ऐसा था कि मैं एक कुर्ता पहना वो लगा बहुत सुंदर, दूसरा पहना वो उससे भी ज़्यादा सुंदर, तो मैं खुद कन्फ्यूज़ हो गई, ये दोनों तो मुझे इतने ज़्यादा प्यारे लगे पहनकर, वो आपको ट्रायल मेरी शक्ल पे भी दिख रहा होगा कि मुझे कितने प्यारे पहनकर लगे। और ये है मेरा नेक्स्ट पीस, एकदम प्योर खादी कॉटन का जो कुर्ता होता है ना वो, प्लस इसका लुक ऐसा है, आप इससे छोटे मोटे फंक्शन में ना इजीली वियर कर सकते हैं, इतनी फाइन इसकी एम्ब्रॉयडरी। साइज मैंने सभी का मीडियम लिया है और इसका भी मीडियम मुझे एकदम परफेक्ट आ रहा है। ब्लैक कलर का खादी कॉटन में इतना कंफर्टेबल पीस है यार, आप इसे लेंगे तो आपका दिल खुश हो जाने वाला है। ये आप देखिएगा यहाँ पर कितनी फाइन, एक तो ब्लैक के साथ ना ये पिंक पीच और क्रीम कलर की एम्ब्रॉयडरी बहुत ज़्यादा सूट करती है, सो इतनी ज़्यादा फाइन एम्ब्रॉयडरी है टॉप में भी और राइट हैंड साइड पर बॉटम में। एक बार पास से इसको चेक कीजिए सो दैट आपको क्लियर हो जाए एम्ब्रॉयडरी कितनी फाइन है। पूरे ही कुर्ते में आप देखेंगे वो फैब्रिक वाले बटन जो होते हैं ना वो लगे हुए हैं, जिसकी वजह से लुक काफी प्रिटी आ रहा है। एक साइड स्लिट कुर्ता है बंद नेक का, पहनने के बाद एकदम ऑसम लगा। 3/4 इसकी स्लीव्स, यहाँ पर भी पाइपिंग लगी हुई है और बैक से है ये एकदम प्लेन। अच्छा, मैंने तो इसको पेयरअप कर लिया ऑफ वाइट के साथ, क्योंकि इसमें ऑफ वाइट कलर भी आ रहा है, लेकिन आप इसको पिंक के साथ भी पेयरअप कर सकते हैं, पिंक के साथ पेयरअप करके भी ये काफ़ी प्यारा लगने वाला है। प्राइस आप साथ में देख ही रहे होंगे, और यार प्राइस के अकॉर्डिंग ना क्वालिटी उतनी ही बेहतरीन है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें। नेक्स्ट पीस मेरा एक ये है फ्लोर टच गाउन, ये इसका लुक, येलो मेरा फेवरेट कलर है तो ये तो मेरे कलेक्शन में होना ही था, ये आप देखिएगा। अच्छा गाइज, लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है,
कोई भी प्रॉब्लम हो आपको लिंक के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और ये वाली ड्रेस तो मतलब पहनकर बहुत प्रिटी लगी। जब मैं ऑर्डर कर रही थी ना तो ये स्पेशली विक्रांत ने अपनी पसंद से ऑर्डर करवाई थी, उनको ये बहुत अच्छी लगी थी तो उन्हें इस तरह की ड्रेस काफ़ी अच्छी लगती है। वैसे समर में फ्लोरल प्रिंट वो भी प्रेफर करते हैं। मेरे लिए नेक है इसका राउंड फ्रंट से भी और बैक से भी, प्लस यहाँ पर आप देखेंगे ना एक बॉर्डर टाइप मतलब बॉर्डर लगा हुआ है और इसके ऊपर ये प्लास्टिक मिरर लगे हुए हैं जिनकी थ्रेड से कवरिंग है पूरे पर ही। सो उसकी वजह से लुक काफ़ी अच्छा रहा। और फ्लेयर है इसका पूरा कलियो वाला जिसकी वजह से फ्लेयर भी बहुत अच्छा हो गया। बाकी लुक आपको ट्रायल में क्लियर हो रहा होगा। और दोनों तरफ ने इसमें दो दो डोरी और उसमें थ्रेड टसल है जिनको मैंने फ्रंट में टाई अप करके बांधा क्योंकि मुझे बहुत हल्का सा वेस्ट से ये लूज था तो फिटिंग दिखाने के लिए मैंने उनको साइड में टाई अप कर लिया। लेकिन अगर आपको एकदम परफेक्ट है तो साइड में टाई अप होकर बहुत प्यारी लगेंगी। और ओवरऑल है एक जैसा। ये है इसका फ्रंट, ये है इसका बैक। बाकी लुक आपको इसका पहनने के बाद क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट पीस की तरफ बढ़ने से पहले एक बार बात करते हैं इसकी रिटर्न पॉलिसी की। सो गाइस 15 डेज की इजी रिटर्न पॉलिसी है, कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है। प्लस यहाँ पर ना डेली 8-10 नए डिज़ाइन लॉन्च होते हैं और वेबसाइट को यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। लाइक जैसे हम मिंत्रा जियो यूज़ करते हैं वैसे ही ये सिंपली यूज़ हो जाएगी। सो गाइज एक बार ट्राई करके देखें, आई एम श्योर आपको पसंद आने वाली है। और आज का जो मेरा लास्ट पीस है ये है बंधेज प्रिंट में एक कुर्ता सेट जिसमें बॉटम इसका फ्लोरल प्रिंट में है और टॉप है इसका बंधेज प्रिंट में। उसके साथ ही उस पर सिल्वर कलर से ना जरी की एम्ब्रॉयडरी है। ये आप चेक करेंगे इसका लुक, पिंक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन काफ़ी प्रिटी लग रहा है। नेक है इसका राउंड और पूरे ही नेक पर एकदम हैवी जरी की एम्ब्रॉयडरी है और प्लास्टिक मिरर लगे हुए हैं। यहाँ पर 3 बटन भी लगे हुए हैं। लुक इसका पहनने के बाद काफ़ी प्रिटी आया। प्योर कॉटन इसका फैब्रिक है लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है कि अपना वन साइज लार्जर बाय करें। लाइक आपको मीडियम आता है तो इसमें लार्ज बाय करें, स्मॉल आता है तो मीडियम बाय करें। एकदम परफेक्ट फिटिंग इसकी आएगी। और ये देखिए इसका लुक काफ़ी प्रिटी है पहनने के बाद लगा। लेंथ इसकी अच्छी खासी है गाइज। मेरी हाइट है 5'3", तो आप आइडिया लगा सकते हैं आपको कहाँ तक आने वाली है। ये है फ्रंट, ये है इसका बैक। 3/4 है इसकी स्लीव्स और पूरी स्लीव्स मतलब जो स्लीव्स का फ्रंट पोर्शन है ना उस पर ये गेंद जरी का और प्लास्टिक मिरर का बॉर्डर है जो बहुत ही ज़्यादा फाइन, बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। और एक बार पास से चेक कीजिएगा इसकी एम्ब्रॉयडरी सो दैट आपको इसका लुक क्लियर हो जाए। इसके साथ आप कोई भी वाइट कलर का दुपट्टा चाहें तो ईजिली कैरी कर सकते हैं। बॉटम है इसकी ये फ्लोरल प्रिंट में, प्योर कॉटन की बॉटम, किसी और सूट के साथ भी ईजिली मिक्स एंड मैच हो जाएगी, इतनी ज़्यादा प्यारी ये लग रही है। और ये देखिए ये है एक सिगरेट पैंट जिसमें दोनों तरफ इलास्टिक है। अच्छा फिटिंग वैसे मुझे इसकी एकदम परफेक्ट आ रही है। लाइक मैंने मीडियम लिया, मीडियम मुझे एकदम परफेक्ट आ रहा है। बस हल्का सा ना यहाँ से थोड़ा सा टाइट है तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ वन साइज लार्जर लें क्योंकि कुर्ते में फिटिंग हो जाएगी, बॉटम एकदम परफेक्ट आ जाएगा। सो ये था मेरा आज का कंप्लीट कलेक्शन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। लिंक है सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल। अगर आपको मेरा कलेक्शन पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और गाइज मैंने अपना न्यू चैनल स्टार्ट किया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो वहां चेक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मिलती है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।